एक बार हमने सोचा स्वामी जी महाराज के हम एक बीघा जमीन गंगा के तट पर ले लें, वहाँ पर साधना भजन करेंगे। तो स्वामी जी महाराज और मैं दोनों ही थे, हम लगभग 2 किलोमीटर उसके तट पर घूमे, जिससे भी बात करते वो इतने पैसे बहुत था हमारे पास थे, उस समय के हिसाब से बहुत सस्ता था, आज तो करोड़ों रुपये की जगह होगी छोटी छोटी जगह वहाँ पर, लेकिन हमारे पास वो पैसा था ही, तो हम वहाँ घूम करके कपड़ों में कांटे लग गए, कुछ फट गए, फिर वहाँ से लौट के आ गए। मैं कह रहा छोड़ो छोड़ो, तो व्यक्ति कहाँ से शुरू करता है कहाँ पहुँच जाता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, अगर निष्ठा ईमानदारी हमारे साथ में है, हम कहीं पर भी पहुँच जाए, कितनी भी हाइट पर चले जाएँ, लेकिन वो चीज़ अगर हमने छोड़ दी तो परमात्मा का साया हमारे ऊपर से हट जाएगा और क्या होगा कोई नहीं जानता। मैंने एक बार एक जब पढ़ते थे हम एक वेद मंत्र पढ़ा और वो मैंने नोट किया डायरी के अंदर, कुछ दिन के बाद वो डायरी मुझे मिली, मैंने फिर उसको पढ़ने की कोशिश की कि हमने पहले कभी क्या इकट्ठा किया था 20 साल पहले, तो उसमें एक मंत्र मिला अथर्वेद का मंत्र था, जो मैंने वेद से भी किया, तो उसमें लिखा था कि कौन व्यक्ति कहता है अपराध कि अधर्म से व्यक्ति बढ़ता नहीं है, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि तो अधर्म की बात करता है, कि कौन कहता है व्यक्ति अधर्म से बढ़ता नहीं है, कि आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, समुद्र की गहराई तक चला जाता है, धरा तक बच्छा जाता है, फिर अंत में जो उसका साथ निकाला कहा कि जो व्यक्ति ऊंचाई पर पहुँचता है वो ऐसा गिरता है उसका पता नहीं चलता कहाँ, ये अधर्म की बात नहीं है। जो हम ईमानदारी के साथ बढ़ते हैं कोई भी हमारे विचारों में दूषण नहीं होता, अब एकदम साफ सुथरे होते हैं तो हमारा मिशन बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि देश के हर व्यक्ति को उससे लाभ मिलता है, राष्ट्र को उससे लाभ मिलता है। तो ये मिशन जो आप लेकर चले हैं ये बहुत बड़ा मिशन है, और स्वामी महाराज हमारे विशेश्वरन जी महाराज के यहाँ पर ये कार्यक्रम हम करते हैं, हमारा इनसे बहुत पुराना परिचय है, और ये भी बात सत्य है कि इस कार्यक्रम को कराने के लिए अब तो नहीं, अब तो बहुत हम हर आश्रम में जा सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था लोग हमें देख करके डरते थे, पता नहीं क्या हो जाता, डरते क्यों थे आप सब जानते, मैं नहीं कहना चाहूँगा इस चीज़ को, तो ये पता नहीं कहाँ से आगे करंट तो नहीं है, हमें करंट लग जाएगा, लेकिन आज हम सभी संतों से प्रेम करते हैं, संत हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए करते हैं, उनको सच्चाई का भी मालूम हो गया, ठीक है, सच्चाई का भी छुप नहीं सकती, क्या थोड़ा दोष तो हो सकता है।